पिछले दिन ही पिंड बादल तो फड़ी गई नकली शराब फैक्ट्री के दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर अज आम आदमी पार्टी ने थाना लंबी का घराव किया। आम आदमी पार्टी ने कैप्टन सरकार से दोष लाया कि बादलों के करीबी शराब तस्करों से कार्रवाई करन तो कन्नी कतरा रही है कैप्टन सरकार। पिंड बादल में नजायज शराब की फैक्ट्री फड़े जाने के मामले च कैप्टन सरकार वालों दोषियों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई ना करन दे रोस वजों अज आम आदमी पार्टी पंजाब वालों लंबी थाने का घराव किया गया। इस मौके थाना लंबी के बाहर धरना दिंदे आम आदमी पार्टी के वर्करां ने दिल्ली मलोट हाईवे जाम करके पंजाब सरकार के खिलाफ सख्त नारेबाजी शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के पहुंचे विधायकों ने कैप्टन सरकार से दोष लाया कि कैप्टन सरकार माफिया के विरुद्ध कार्रवाई करने तो कन्नी कतरा रही है। देखो जी, ये कोई पहली बार नहीं कि पंजाब दे विच जिहड़ी शराब की जाली फैक्टरी चलती जिहड़ी उह फड़ी गई होवे। इदू पहलां भी राजपुरे च शराब दियां जाली फैक्ट्रियां चलदियां फड़ियां गईयां, कोई कार्रवाई नहीं। सारे उत्थे असीं उदों प्रोटेस्ट भी कीता, मैं खुद भी जाके आया उत्थे। राजपुरे दे लोक चीकां मार मार कहिंदे आ, सारे राजपुरे नूं पता, सारे पंजाब नूं पता भी किहड़े विधायकां दा उह जिहड़ियां जाली शराब दियां फैक्ट्रियां चलदियां उहनां विच हाथ सी। अज तक उन्हां ते कोई कार्रवाई नहीं होई। उदू बाद माझे दे विच 126 बंदिआं दी मौत हुंदी है 3 जिलिआं दे विच जहरीली शराब पीण करके, किसी तो कार्रवाई नहीं। असी उत्थे भी एक हफ्ते धरने पर बैठे रहे, कलतार सिंह संधवा जी इतने बैठे आ, रातों भी SSP दफ्तर के बाहर सौंदे रहे। असी पिंडा जाते लोग सानू कहते सानू पता है भी फलाना MLA शराब की फैक्ट्री चला, फलाने MLA का PA चला, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह पता नहीं लगता कौन चला। आ हुण आ थाने तो 2 किलोमीटर की दूरी पर नहीं, तो साबका मुख्यमंत्री का घर एक पासे, एक पासे मौजूदा जोड़े फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने घर है, तो इन्होंने ही परिवारक मैंबर है जिदे नाते जमीन है, जिदी जमीन दे जिहड़ी शराब की फैक्ट्री है वो चल रही है। फैक्ट्री फड़ी जाती है तो कार्रवाई किन्ना ते हुंदी है? आ कोई प्रगट सिंह, कोई आह आनंद शर्मा, कोई उत्तराखंड का, कोई चंडीगढ़ तो है, जेडे मेन बंदे है लाली बादल नूं बचाउण दी कोशिश कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार ते बादल परिवार मिलके कोशिश कर रहे, क्योंकि उन्होंने परिवार का यह मैंबर है, उन्होंने हिस्सा है। इनू कोई नाले पहली बार बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। 1961 अबोर च एक वाटर वर्कस के नाते एक जमीन अक्वायर होंगी है, 2007 जो सरकार बनती है अकाली दल की, यही लाली बादल रिकॉर्ड के फ्रॉड करके डॉक्यूमेंट के घपला करके वो जी वाटर वर्कस की जमीन सी बोर्ड की 9.25 एकड़ जमीन का इंतकाल आपके ना करवा लेंद। आ 2017 सरकार आँदी है, कुछ लीडर रौला पाँदे विधानसभा के एक दो विजिलेंस की इनकुआरी बैठ जाती है कि जी 9.25 एकड़ कि ना लगे, किमें फ्रॉड होया इनकुआरी करो। आज 4.5 साल हो गए ना विजिलेंस की इनकुआरी हुई किड़े बंदे जिम्मेवार से, लाली बादल किस तरह फ्रॉड किया भी बचाया जा रहा है, तो जी शराब वाली फैक्ट्री है ये भी बचा जा रहा है। सो असी इस करके अज इतने आए हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह तुसी लगातार 4.5 साल तो चाहे कोई शराब माफी वाला, चाहे कोई रेत माफी वाला, चाहे कोई ड्रग माफी वाला, तुसी लगातार इन्हां लोकां नूं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आ जिहड़ा लाली बादल जिहड़ा जिम्मेवार है, तुसी आ आनंद शर्मा जां होर जिहड़े ने इक दो इन्हां लोकां दे परचे करके खाना पूर्ति करन दी कोशिश ना करो। जिहड़े लोग असल कसूरवार ने उन्हां दे परचे दर्ज करो। जे तुसी राजपुरे असल कसूरवार लोगों के परचे दर्ज किए होंगे तो 126 मौत माझे जाके ना होंदिया, जो उन्होंने परचे दर्ज किए होंगे तो जिहड़ियां इत्थे जाली शराब की फैक्ट्री बादल फड़ी गई है जां जिहड़ियां होर हरेक जिले च कस्बे चल रही हैं ये जाली शराब दियां फैक्ट्रियां बंद हो जांदियां। सो इसे मुद्दे नूं लैके अज असीं इत्थे आए हां कि तुसीं आपदी कुर्सियां दी लड़ाई छड्ड के पंजाब दी सार लो। लोग करोना करके मर रहे हैं, लोग बेरोजगारी करके खुदकुशियां कर रहे हैं, आए दिन ही पंजाब दे अखबारां च खबर आउंदी है लोग किसान खुदकुशियां कर रहे हैं कर्जे करके। पंजाब वल ध्यान दिओ, पंजाब दी सार लो, जिहड़े लोगों नाल गुड़का साहब दियां सौं करके वोटां लईआं सी उन्हां दी सार लो, नहीं पंजाब दे लोक थोड़ा हशर BJP वाला करनगे जिवें BJP दे लोकां नूं पिंडां च वड़न दिंदे, थोनू भी आने वाले समय च पंजाब दे लोक पिंडां च नहीं वड़न देणगे। कांग्रेस दे विधायक राजा वड़िंग भी 2-3 बार कह चुके कि बादल रले हुए आ, बादल रले हुए आ फैक्ट्री फड़न तो बाद, की कहना चाहोगे? ते राजा वड़िंग जी दी सरकार है फिर कार्रवाई करवाउण, मुक्तसर जिले च लंबी पैंदा, मुक्तसर जिले दे राजा वड़िंग जी है फिर कार्रवाई करवाउण, चुप के उन्हें नहीं कार्रवाई होंदी, रिजाइन दे के बाहर आउण, यही तो गल है।
कि साढ़े चार साल जिहड़े MLA सी जिहड़े मंत्री सी बोले नहीं, हुण जदों 6 महीने रह के बोलन लग गए सरकार दे अगेंस्ट, साढ़े चार साल तां रल मिल के सारे मलाइयां खाई गए, माफ़ी भी चलाई गए, हुण जदों पता है भी 6 महीनियां नूं वोटां ने लोगों च वोटां लैण लई जाणा है तां आपदी स्किन प्रोटेक्ट करन दे लई आपदे आप नूं बचाउण दे लई भी असीं पिंडां च वण जोगे हो जाईए, इसे करके अज केवल ते केवल बयानबाजी कर रहे आ, केवल लोगों दीआं अक्खां ठंडीआं करन दे लई। कल्ले राजा वड़िंग जी दा नहीं, जाखड़ साहब का भी बयान आया पार्टी प्रधान का भी, यार तू पार्टी प्रधान है तुसीं कहिंदे हो भी बादल रले होए फिर कार्रवाई करो, जे बादलां दे दिखे कार्रवाई करो, थोड़ी पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है। सो सारे इको थाली दे चट्टे बट्टे आ, ये केवल तो केवल यह माफिया नूं प्रोटेक्ट करते हैं, केवल तो केवल बयानबाजी है जिहड़ी आपदा चम बचाउण लई करते। एक्शन देखो जी, अज असीं इत्थे आए हाँ सानू पुलिस दे जिहड़े अधिकारी है कोई सीनियर आ के विश्वास दिवाउण, नहीं टाइम बाउंड करके जिहड़े असली कसूरवार है परचा दर्ज करनगे तां उहनां नाल समें जिहड़ी असीं रणनीति आपदी होर अपनावांगे। सर धरने ला रहे आम आदमी पार्टी जां लीगल प्रोसीडिंग वी कोई शुरू कीती है? लीगल भी करांगे जी, असीं तां इहदी कहिणे आ क्योंकि सानू तां पंजाब दी SIT ते कोई विश्वास ही नहीं, राजपुरे वाल च बनी, एक मिनट माझे वाल च बनी, कोई वो नहीं होया, असीं तां कहिंदे आ भी जुडिशियल इनकुआरी इहदी होनी चाहीदी है, कोई हाई कोर्ट दा सिटिंग जज इनकुआरी करे, सानू विश्वास ही उहनां दे आ क्योंकि जिहड़ा इहनां दा फिक्स मैच है इन्हां ने नंगा नहीं करना, ना बादल इन्हां दा करना है बादलों का करना। सो इहदी जुडिशियल इनकुआरी सिटिंग जज की सी मंग की अज भी इहदे विच कि सिटिंग जज आ जिहड़े आ इहदी इनकुआरी। आम आदमी पार्टी वालों थाना लंबी दे बाहर दिते गए धरने तो बाद SP इन्वेस्टिगेशन राजपाल हुंदल ने कहा कि एक्साइज विभाग वालों दर्ज करवाए बयान के आधार पर कार्रवाई की गई है, मामला दर्ज कर दिता गया तो उसकी जाँच जारी है। देखो जिहड़ा परचा होया उहदी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, DSP इन्वेस्टिगेशन कोल इहदी तफ्तीश है जी, तो जिहड़े भी तथ सामने आउणगे उस तरीके नाल ही अगली कार्रवाई होगी। कदों तक सर ये इन्वेस्टिगेशन हैगी? चल रही है जी, साढ़े को टाइम जिहड़ा पाबंद टाइम उहदे च इन्वेस्टिगेशन इहदी पूरी करके अगली कार्रवाई की जाऊगी। जो भी सही बंदे अरेस्ट किए बिल्कुल सही होगा जी, बिल्कुल तथ्यों के आधार पर ही तफ्तीश चल रही है।